हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि अकॉर्डिंग टू NDTV अल्वेश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है स्नेक वैनम केस में। आप लोगों को पहले बता दें कि कुछ दिन पहले भी ये चीज़ें बात सामने आई थी और रेव पार्टी में स्नेक वैनम का यूज़ हुआ था, उसमें अल्वेश यादव का भी नाम आया था, जिसके बाद अल्वेश को काफ़ी क्वेश्चनिंग के लिए काफ़ी बार पुलिस थाने में सब चीज़ें स्टेशन बुलाया गया था पुलिस स्टेशन, और काफ़ी क्वेश्चनिंग भी हुई थी। अर्लियर पुलिस वालों ने कहा था कि शायद इनका हाथ नहीं है, लेकिन कल दो तीन दिन से इनको डेली क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है और आज फाइनली अकॉर्डिंग टू NDTV अरेस्टिंग हो गई है। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके आगे क्या होता है ये हम लोग को तभी बाद में पता चलेगा जब मीडिया के सामने ये बात और आगे खुल के आएगी। आप लोग का क्या राय है, आप लोग की क्या राय है इस केस पे, जरूर करिएगा। अल्वेश यादव के हम लोग इसलिए भी सपोर्ट में थे कि बहुत सीधे साफ सच बोलते हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों में इनकी इन्वॉल्विंग क्लियर हो जाती है, इतना सब्सक्राइबर बेस है, इतनी पॉपुलरिटी है, अल्वेश आर्मी तक बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्वेश फैंस बहुत हैं, उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है और प्रमाणित भी हो जाती है तो ये चीज़ बहुत गलत लगती है। फैंस को धक्का लगेगा, हम सबको धक्का लगेगा, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इनके बहुत सी चीज़ों पे सपोर्ट पे रहे हैं। और अब देखिए कानून क्या करता है, क्या नहीं करता है और कैसे साबित करता है, ये सब तो आगे की बात है। फिलहाल की जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मैटर पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमको अच्छा लगता है जब आप लोग हमको बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये बात है ये बात है। चलिए मिलते हैं।